तो यार आप सभी का स्वागत है सेवन डेडली सिंस के एक और एपिसोड में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसके सीजन 2 के एपिसोड 9 के बारे में। तो बिना अपनी बुरी यादों को बार बार जी चलो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिकैप, जहां हमने पिछली वीडियो में देखा कि मेलोडस को अपनी पावर वापस लेने के लिए एक ट्रायल देना होगा। मेलोडस का ट्रायल स्टार्ट होने के बाद एलिजाबेथ पूछती है लेडी जेनेरी, आखिर सर मेलोडस को हुआ क्या है, जिस पे जेनेरी बोलती है ये टावर ऑफ ट्रायल्स है और यहाँ पे मेलोडस को टेस्ट किया जा रहा है ये देखने के लिए कि आखिर इसकी सोल इसकी पावर को लेने के लिए वर्दी है भी या नहीं। इसके बाद वो एलिजाबेथ को एक पॉट देते हुए बोलती है कि इसके अंदर एक सीड है जिसको ना कि पानी और ना ही लाइट उगा सकता है। अगर तुम्हारे अंदर ड्रूड ब्लड है तो तुम्हारे अंदर हील करने की पावर है जो इस सीड को ब्लूम कर सकती है, लेकिन अगर तुम इतना भी नहीं कर सकती तो तुम आने वाली वॉर में कीप अप नहीं कर पाओगी। वहीं दूसरी तरफ मेलोडस को लग रहा होता है कि ये सब एक इल्यूजन है, तो बोलता है टेड जेनेरी आखिर मुझे ये सब दिखा के वो करना क्या चाहती है। इसके बाद वो लिच की तरफ देख के बोलते हैं और ये सब सोचते सोचते वो लोग घर पे आ जाते हैं। वहीं मेलोडस सब भी कंफ्यूजन में क्या आखिर वो टाइम में पीछे आ गया या फिर ये सब एक हेल्यूजिनेशन है। लिच उसके लिए खाना बनाती है और वहां पे हम एक और पेट को देख पाते हैं जिसका नाम फॉन्डल होता है। वो कहता है मेरा डिनर दिस विलेज, कहते हैं नहीं ये तुम्हारा नहीं है। वही मेलोडस सब इस बात को सोच रहा होता है कि जो भी कुछ लियोनिस में हुआ 10 कमांडमेंट्स का रिवाइवल, क्या वो सब एक इल्यूजन था या फिर ये इल्यूजन है। और इसके बाद में वो लिच को हक कर लेता है, लेकिन देखते ही देखते अब सीन उस पल की तरफ मुड़ जाता है जहां लिच की डेथ हुई थी। और देखते ही देखते मेलोडस का खुद के इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रहता, वो खुद पे से कंट्रोल लूज करने लगता है, जिस वजह से मेलोडस की पावर जो उसका कंट्रोल लूज करने की वजह से बेकाबू होने लगती है। देखते ही देखते पूरे डाउनफॉल पे समा जाती है और उसे अपने अंदर समेट लेती है। लेकिन इससे पहले ये सब खत्म भी होता, देखते ही देखते मेलोडस फिर से उसी मार्केट में आ जाता है जहां से इस ट्रायल की स्टार्टिंग हुई थी। मेलोडस अब काफी पेन में वो समझ जाता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ उसकी बॉडी को भी अब पेन हो रहा होता है, लेकिन जैसी एलिजाबेथ उसके पास जाने की कोशिश भी करती है कि तभी जेनेरी उसको रोक के बोलती है कि तुम्हें अपने ट्रायल पे ध्यान देना चाहिए, जिस पे एलिजाबेथ परेशान होते हुए बोलती है कि पर मैंने सर मेलोडस को इतने पेन में कभी नहीं देखा। वहीं दूसरी तरफ मेलोडस लिच के साथ में एक और दिन रिपीट कर रहा होता है जब एलिजाबेथ पूछती है कि आखिर सर मेलोडस कौन सा टेस्ट दे रहे हैं, जिस पे अब जेनेरी रिवील करती है कि मेलोडस को 100 बार कम से कम, अगर 1000 बार नहीं तो अपने लव के साथ में वो उन्हें स्पेंड करना होगा जिसपे वो उससे दूर हो जाएगा, यानी कि अगर आसान शब्दों में बोला जाए तो लिच की मौत वाला दिन। वहीं जेनेरी आगे बोलते हैं कि हर बार मेलोडस अपने गुस्से में अपना कंट्रोल लूज करके सब कुछ खत्म कर देगा। जेनेरी आगे कहती है कि ये टेस्ट मेलोडस के इमोशंस को इरेज करने के लिए नहीं, उनको खत्म करने के लिए, क्योंकि अगर एक बार मेलोडस ने अपनी पावर रिगेन कर ली और उसके बाद में कंट्रोल लूज कर दिया तो सब खत्म हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जैना बाकी सब लोगों को केव ऑफ ट्रेनिंग पे लेके आती है, जिसपे किंग पूछता है हे जैना आखिर तुम हमसे क्या करवाना चाहती है, जिसपे जैना जवाब देती है तुम लोग 10 कमांडमेंट से फाइट करने के लिए बहुत ज्यादा कमजोर हो, तो तुम लोगों को ट्रेनिंग करनी पड़ेगी खुद को स्ट्रांग बनाने के लिए और इस दुनिया को बचाने के लिए, वरना दिक्कत हो जाएगी, बता रही हूँ मैं। ओ वैसे मैं तुम लोगों को बता दूं कि तुम्हारा दूसरा ग्रुप पहले ही आ चुका है, जिसपे हॉक बोलता है क्या बान आया है, जिसपे किंग बोलता है नहीं इसने ग्रुप बोला है तो शायद गुइला और जेरिको होंगे। और तभी केव ऑफ ट्रेनिंग में से कोई निकल के आता है, लेकिन जब वो लोग इसको देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो कोई और नहीं वो हेंड्रिक्सन होते हैं। उसे देख के सब लोग शॉक में होते हैं कि किंग खुद को तैयार करते हुए बोलता है कि आखिर तुम जिंदा कैसे हो हेंड्रिक्सन, लेकिन इससे पहले वो आगे कुछ बोलता है हेंड्रिक्सन बेहोश हो जाते हैं। तभी जीना बोलते कि हमें समझ सकते हैं कि आखिर क्यों तुम लोग इस पे गुस्सा होगे, लेकिन अब जब ये नॉर्मल हो गया है तो क्या कुछ टाइम के लिए तुम अपने मनमुटाव साइड में नहीं रख सकते। तभी आर्थर एक जगह पॉइंट करके बोलता है कि वहां पे कुछ है, और जब हॉक वहां पे जाता है तो वो क्या पता है कि वहां पे गिल्टेंडर हाउजर और ग्रियमोर पड़े हैं। वहीं दूसरी तरफ मेलोडस सब भी पेन में वो उसी दिन को रिपीट कर रहा होता है जिस दिन लिच की डेथ हुई थी। मेलोडस एक बार फिर से उस जगह पे पहुंच जाता है जहां लिच उसके लिए कुकिंग कर रही थी। वो उस दिन को एक बार फिर से जीता है, बार बार जीता है, बार बार लिच के साथ में अपने उस मोमेंट्स को एंजॉय करता है और हर बार खुद से कंट्रोल होके वो उस पूरी जगह को डिस्ट्रॉय कर देता है। एक सीन में लिच उससे कह रही होती है हे मेलोडस चलो ना हम हमेशा के लिए साथ रहते हैं, और अगली पल फिर से लिच की डेथ मेलोडस को खुद पे कंट्रोल करने के लिए मजबूर कर देती है। वही एक सीन में मेलोडस लिच के साथ में एंजॉय कर रहा होता है और अगली सीन में लिच उसकी भावों में दम तोड़ रही होती है। ये सब इतना ज्यादा पेनफुल होता है कि मेलोडस की सोल तक इसको इंड्योर नहीं कर पाती और जेनेरी उसको वापस बुला लेती है। वापस आके मेलोडस कहता है आखिर तुमने मुझे वापस क्यों बुलाया, जिसपे जेनेरी बोलती है कि ऑब्वियस है कि तुम अपनी रात को कंट्रोल में नहीं कर पाए और अगर तुम इस तरह से इस दिन को बार बार जीते रहे तो तुम्हारे इमोशन से पहले तुम्हारी अंतरात्मा खत्म हो जाएगी। मेलोडस लगभग टूट ही चुका होता है कि तभी एलिजाबेथ उसके पास आके कहती है कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है सर मेलोडस, आप हमेशा से हमारे लिए अपनी जान को दांव पे लगाते आए हो। एलिजाबेथ की ये बात सुनके और ये जानते कि एलिजाबेथ उसके साथ है, अब मेलोडस की हिम्मत एक बार फिर से जुड़ने लगती है। वो जेनेरी को कहता है जेनेरी एक बार फिर से मुझे वापस भेजो, जिसपे उसकी चिंता करते हुए जेनेरी कहती है कि इससे ज्यादा स्ट्रेस तुम भी नहीं झेल पाओगे मेलोडस। इस पे मेलोडस खड़े होते हुए कहता है कि मैं अभी चल सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। और इसके बाद मेलोडस अपने मन में सोचता है कि मुझे और ज्यादा ताकतवर बनना होगा उन लोगों के लिए जिनको मुझे प्रोटेक्ट करना है, लेकिन जेनेरी अभी उसकी चिंता करते हुए कहते हैं कि नहीं मेलोडस इससे थोड़ा और ज्यादा और शायद ये तुम्हारी स्प्रिट तक को तोड़ के रख दे।
लेकिन मेलियोडस अपनी पूरी हिम्मत जुटाते हुए कहता है कि मैं और आगे नहीं बढ़ पाऊंगा अगर मैंने ये टेस्ट पास नहीं किया। और मेलियोडस की आंखों में डेडिकेशन को देखने के बाद जेनेरी को आखिर हार माननी पड़ती है। इसके बाद वो कहते हैं ठीक है, पर प्रॉमिस करो कि तुम सेफली वापस आओगे। जैसे मेलियोडस मुस्कुराते हुए कहता है या आई प्रॉमिस। और एक बार फिर से मेलियोडस का ये दिन स्टार्ट हो जाता है। मेलियोडस ये पूरा दिन लिच के साथ बिताता है। मेलियोडस अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे ऑलरेडी आंसर पता है, मुझे अपनी पावर को पूरा कंट्रोल में लेने के लिए अपने इमोशंस को छोड़ना होगा। बहुत आसान है, क्यों है ना मेलियोडस? मुझे बस इतना करना है कि मुझे लिच को भूल जाना है, मुझे बस उसे मरता हुआ देखने का आदी हो जाना है। बहुत आसान है, क्यों है ना मेलियोडस? ये कोई इतनी भी बड़ी बात नहीं है। हालांकि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, आखिर कैसे कोई अपने प्यार को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखने का आदी हो सकता है। और सेम मेलियोडस के साथ भी होता है। जैसे लिच उसके सामने मरती है, वो एक बार फिर से खुद पे से अपना कंट्रोल छोड़ देता है। मेलियोडस का ये पेन देख के जैसे जेनेरी उसको वापस लाने वाली होती है, तभी एलिजाबेथ बीच में आके उसे रोक लेती है। और मेलियोडस का दिन एक बार फिर से स्टार्ट हो जाता है। मेलियोडस खुद से कह रहा होता है कि जितनी बार भी तुमसे मिलने और बिछड़ने की साइकिल रिपीट होती है, मेरा प्यार तुम्हारे लिए इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है कि मैं उसे कंटेन नहीं कर सकता। जितनी बार भी मुझे तुम्हें गुड बाय कहना होता है, मेरा गुस्सा मेरी रहता है इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि मैं उसे कंटेन नहीं कर सकता। वहीं दूसरी तरफ एलिजाबेथ जेनेरी से कह रही होती है कि सर मेलियोडस सेफली वापस आएंगे चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, उन्होंने प्रॉमिस किया था, याद है ना? वहीं मेलियोडस अब भी साइकिल को जी रहा होता है। वो खुद से कहता है कि हमेशा मेरे दिमाग में एक बात आती है कि अगर मैं तुमसे कभी मिला ही नहीं होता तो ये साधारण से दिन मेरे लिए कभी इतने खुशनुमा होते ही नहीं, और इसीलिए मैं ये सब फिर से नहीं झेलना चाहता। मैं ये सब फिर से नहीं देखना चाहता। आई कांट टेक इट। मैं ये सब फिर से नहीं जीना चाहता चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। और देखते ही देखते मेलियोडस अपने इमोशंस के कारण अपनी रेथ पे कंट्रोल कर लेते हैं। उसके इमोशंस उसकी रेथ पे भारी पड़ जाते हैं और वो इस टेस्ट को पास कर लेते हैं। और जब वो अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने उसका वेलकम करने के लिए एलिजाबेथ खड़ी होती है। मेलियोडस एलिजाबेथ के पास जाके बोलता है, हे एलिजाबेथ, आखिर तुम रो क्यों रही हो? जिस पर एलिजाबेथ कहती है कि जब मैंने तुम्हारे आंसू देखे तो मेरे भी आंसू आ गए। वहीं कंफ्यूजन एरी मेलियोडस से कहते हैं कि तुमने स्टाइल को ओवरकम कर लिया, इसका मतलब तुमने अपने इमोशंस को छोड़ दिया। जिसमें मेलियोडस उसकी तरफ देखते हुए कहता है, आखिर तुम क्या कह रही हो जेनेरी? और इसके बाद मेलियोडस अपने हर्ट की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि मेरे लिए जो भी इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पे है, तो अब जब मैंने ये टेस्ट पार कर लिया है तो मेरी पावर मुझे वापस दे दो। और अब क्योंकि ये वीडियो काफी लंबी हो गई है तो इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। तो अगर आप लोगों को इस वीडियो का सेकंड पार्ट चाहिए तो कमेंट में #part2 लिखना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।